यूक्रेनी फौज का रूस के ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार। यूक्रेन के सैनिकों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल दागी हैं। सुबह सुबह यूक्रेन के अटैक से रूसी फौज दहल गई। अटैक में दक्षिणी फ्रंटलाइन पर रूस का अम्यूनिशन डिपो तबाह हो गया। ये यूक्रेनी फौज का रूस के ठिकानों पर सबसे विध्वंसक प्रहार है। यूक्रेन के सैनिकों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। सुबह सुबह यूक्रेन के इस अटैक से रूसी फौज दहल गई। अटैक में दक्षिणी फ्रंट लाइन पर रूस का अम्यूनिशन डिपो तबाह हो गया। एक और यूक्रेन के हमले, दूसरी तरफ रूस का पलटवार जारी है। ये तस्वीर देखिए, इसमें रूसी फौज यूक्रेन के ठिकानों पर भीषण वार कर रही है। BM-21 रॉकेट लॉन्चर से लगातार बारूद बरसाया जा रहा है। निप्रो में रूस ने गैस स्टेशन पर बड़े हमले को अंजाम दिया। इस अटैक में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही है। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बार पलटवार के बीच दक्षिण यूक्रेन में रूसी फौज को बड़े नुकसान की जानकारी सामने आई है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर BM-21 ग्रैड मिसाइल से बड़ा अटैक किया। अब खुद यूक्रेन ने इस हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से टारगेट को हिट किया जा रहा है। मतलब बिल्कुल साफ है, भले ही युद्ध को 8 महीने गुजर गए, लेकिन दोनों ही देश एक भी पल थमने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, चेचन कमांडर कादिरोव की यूक्रेन को बड़ी धमकी, हम यूक्रेन पर हर दिन विध्वंसक हमला करेंगे। ओडेसा और कीव को भी लेकर रहेंगे कादिरोव का ये बयान यूक्रेन के लिए। सबसे विध्वंसक और आक्रामक जंग के बीच चेचन कमांडर ने यूक्रेन को विस्फोटक धमकी दी है। पुतिन के वफादार ने ऐलान किया है कि ज़ेलेंस्की के देश पर हर दिन तबाही मचाने वाले हमले जारी रहेंगे। ओडेसा और कीव को भी कब्जे में किया जाएगा। अब आपको तफसील से बताते हैं आखिर कादिरोव ने क्या कुछ कहा है। कादिरोव ने कहा कि मैं यूक्रेनी सत्ता को खबरदार करता हूं। हम उन पर हर रोज अटैक करेंगे। उन शैतानों को हम जेल में बंद नहीं करेंगे। हम उन्हें जलाकर खत्म कर देंगे। हम अपने मिशन में कहीं रुकेंगे नहीं। हमारा इलाका सिर्फ ज़ेपोराजिया खेरसोन नहीं है, कीव ओडेसा खारकीव सब हमारा है, पूरा यूक्रेन ही हमारा है। अब रमजान कादिरोव और चेचन से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं, जिससे आप उसकी यूक्रेन को दी गई धमकियों को समझ पाएंगे। रशियन रिपब्लिक ऑफ चेचन्या का प्रमुख है, खुद को पुतिन का सबसे बड़ा भक्त कहता है, पुतिन के लिए अक्सर जान देने की बात करता है। हाल में अपने नाबालिग बच्चों को युद्ध के लिए तैयार करता दिखा था। यूक्रेन से जंग में चेचन फोर्स बढ़ चढ़कर लड़ रही है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस का बहुत बड़ा मूव, खाली बैठे पूर्व अफगान सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस। अफगान वॉर वेटरन को भी जॉब पर रखा जा रहा है और इस काम में लगाए गए हैं वैगनर ग्रुप के मर्सनरीज। करीब 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब हो ये रहा है कि रशियन आर्मी को सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा अफगानिस्तान से सैनिकों की भर्ती का फैसला किया गया है। रूस ने नेशनल आर्मी कमांडो कॉर्प से संपर्क किया। ये वही कमांडो है जो तालिबान से अमेरिका के लिए भी लड़ चुके हैं। तालिबान राज में बेकार हो गए अफगान सैनिक अब रूस के लिए जंग लड़ेंगे। यूक्रेन से लड़ने के लिए अफगान सैनिकों की रूसी फोर्स में भर्ती, अफगानिस्तान एलीट नेशनल आर्मी कमांडोज को भर्ती में तरजीह। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद ये कमांडो बेरोजगार हैं। 20 साल यूएस और अलॉयड फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं ये कमांडोज। इन यूएस ट्रेन्ड अफगान कमांडोज की संख्या 20 से 30 हजार है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन अफगान कमांडोज की खासियत क्या है। दरअसल इन्हें पश्चिमी हथियारों से लड़ने का अनुभव है, इन्हें वॉर की पश्चिम रणनीति की जानकारी है। यूएस ने इन कमांडो पर करोड़ों डॉलर खर्च किए थे। ये कमांडो तालिबान की हिट लिस्ट में है। इनमें से कई ने डर से देश भी छोड़ दिया है। अब रूस इन कमांडो का फायदा उठाएगा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।